Morning students. Today we are doing question number 2 of exercise 1.3. Second question, give a rough estimate by rounding off to nearest 100 and also a closer estimate by rounding off to nearest tens. अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है, क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100 करके और नियरेस्ट टेंस करके. दोनों तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. सो द फर्स्ट फर्स्ट पार्ट 439 प्लस 334 प्लस 4317, इनको आपको सम करना है. फर्स्ट राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राउंड ऑफ दिस नंबर टू नियरेस्ट 100. 439 is round off to 439 को हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 में. नियरेस्ट 100 439, ये जो है हंड्रेड्स में 400 और 500, इनके बीच में कहीं पर ये नंबर होगा. अब 400 और 500 इन दोनों का जो मिड पॉइंट होता है वो होता है 450, और अगर ये नंबर 450 से मोर है तो हम 500 लेते हैं राउंड ऑफ करके. अगर ये नंबर 450 से स्मॉलर है तो हम ये नंबर लेते हैं राउंड ऑफ करके. तो 439 इज स्मॉलर देन 450, सो वी टेक 400. सो राउंड ऑफ ऑफ 439 इज 400. नाउ 334 इज राउंड ऑफ टू 434. 434 300 और 400 के बीच में, और 434 जो है नियर है 300 से. 4317 इज राउंड ऑफ टू 4370. 4000 से हमें कुछ नहीं करना, हमें 317 देखना है, और 317 जो है वो 300 और 400 के बीच में होगा, और 317 300 से ज़्यादा क्लोजर है तो उसको राउंड ऑफ करके 4300. अब हम इनका सम निकालते हैं. राउंड ऑफ करने के बाद जो नंबर्स आए उनका सम निकालना हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाता है. सो 336, 6 और 4 10, 4 और 1 5, सो 5000. अब हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट टेंस करके. इसी क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करना है, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100 एंड राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10. सो 439 439 को हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट टेंस में. तो वंस टेंस, हम ये दो वैल्यूज, इन वैल्यूज को हम चेक करते हैं. हमें 100 से अब कुछ नहीं करना, हमें 439 है तो सिर्फ 39 को हमें चेंज करना है. 39 जो है वो 30 और 40 के बीच में आता है, 30 और 40 के बीच में आता है. अब ये जो है 39 जो है ज़्यादा क्लोजर है 40 की. सो 339 इज राउंड ऑफ टू 440. एंड 334 इज राउंड ऑफ टू 30 और 40 के बीच में आता है, और 34 जो है ज़्यादा पास है 30 से. सो 330 एंड 4317 इज राउंड ऑफ टू वंस टेंस 100,000. वंस टेंस, हमें वंस और टेंस के लिए चेक करना है क्योंकि हम नियरेस्ट टेंस फाइंड कर रहे हैं. हमें 100 और 1000 वाली वैल्यूज से कुछ नहीं करना, हमें टेंस तक की वैल्यूज को चेक करना है. 17 को अगर हमें राउंड ऑफ करना है टेंस में तो 17, 10 और 20 इनके बीच में आता है, और 17 जो है ज़्यादा नियर है, ज़्यादा क्लोज है 20 के. सो 4320. नाउ 440 प्लस 330 प्लस 4320. एट दीज नंबर्स
सेवन, सेवन इन टू नाइन, फोर, फोर, फोर थ्री सेवन, सेवन टेन, 5090। नाउ बी पार्ट 108734 माइनस 4759। राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100। इज राउंड ऑफ, राउंड ऑफ टू, देखिए अब इसे आपको 100 में राउंड ऑफ करना है, तो सेम प्रोसेस, वंस टेंस 100, हमें 734 को हमें चेंज करना पड़ेगा, बाकी के नंबर्स हमारे एज यूजुअल रहेंगे। 734, 734, 700 और 800 के बीच में आता है, तो 734 जो है ज़्यादा क्लोजर है 700 से, सो 734 इज राउंड ऑफ टू 700। राउंड ऑफ टू एंड 599, 599, 599, 500 और 600 के बीच में आता है, और 599 ज़्यादा क्लोजर है 600 से, 599 एंड देन 600, सो 599 इज राउंड ऑफ टू 600। नाउ सब्ट्रैक्ट दीज नंबर्स, सिक्स, वंस टेंस 100,000, 10,000, 61,100। नाउ राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, राउंड ऑफ टू, अब इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट टेंस में, तो हम सिर्फ टेंस वाली वंस टेंस वैल्यू वैल्यू को चेक करते हैं, बाकी हमारी एज यूजुअल रहेंगे सारे नंबर्स। 34, 34 राउंड ऑफ करके 34 जो है वो 30 और 40 के बीच में आता है, और 34 ज़्यादा क्लोजर है 30 से, सो 34 इज राउंड ऑफ टू 30। एंड 47,599 राउंड ऑफ टू 99, 99 को जब हम राउंड ऑफ करते हैं वंस टेंस, 99 को जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो वो ज़्यादा सिक्स, 99 को राउंड ऑफ करेंगे तो हो जाएगा 100, और 100 अगर हम इसमें प्लस करते हैं तो हो जाएगा 600, इट मीन्स 47,600। नाउ सबट्रैक्ट दीज नंबर्स, 61,130। सी एंड डी पार्ट आर योर होमवर्क, नोट डाउन इट, सी एंड डी पार्ट सेम इन्हीं क्वेश्चंस की तरह आपको सी और डी पार्ट भी करना है, दोनों सब्जेक्ट के लिए हैं। पहले आप इसको नियरेस्ट 100 फाइंड करेंगे, दोनों केस के लिए करेंगे, नियरेस्ट 100 फाइंड करेंगे और फिर नियरेस्ट टेंस फाइंड करेंगे, और दोनों को सेपरेट करके अपने अपने आंसर को फाइंड करेंगे। थैंक यू।